नमस्ते, आई एम जेवियन स्वर्णिमा, असिस्टेंट प्रोफेसर इन जयोति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी एंड सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट. टुडे वी विल डिस्कस अबाउट अ टॉपिक फ्रॉम ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग विच इज स्पीड डिले स्टडीज. सो व्हाट इज स्पीड डिले स्टडी? स्पीड डिले स्टडी गिव्स the running speed, overall speed, fluctuation in speed and delay between the two stations of road spaced far apart. These studies are also gives information such as amount, location, duration, causes of delay in द ट्रैफिक स्ट्रीम. ठीक है, तो बेसिकली क्या हो रहा है, स्पीड डिले स्टडी से हमको क्या पता चल रहा है कि जो भी एक पर्टिकुलर लोकेशन थी हमारे पास एग्जामिन करने के लिए, तो उसमें क्या किस वजह से डिलेज हो रहा है, कितने टाइम का डिले हो रहा है, फ्रिक्वेंसी क्या है व्हीकल्स की, लोकेशन, नंबर, टाइम्स एंड एवरीथिंग हम लोगों को क्या पता चल रही है, इस स्पीड डिले से हमको पता चल रही है. ठीक है, स्पीड डिले जो होता है उसको अगर हम एक यूटिलाइज करें उसका, तो हमको क्या क्या मिल सकता है, ट्रैवल टाइम भी मिल सकता है और बेनिफिट कॉस्ट एनालिसिस भी हमारा उसी से हो सकता है. ठीक है, स्पीड डिले जो होता है इसमें अगर हम बात करें डिले स्टडीज की, तो डिले स्टडीज क्या होती है, डिले इज डिफाइंड एज एन एक्स्ट्रा टाइम स्पेंड बाय ड्राइवर्स. नॉर्मल सी बात है कि ड्राइवर अगर हम किसी लोकेशन की स्पीड डिले स्टडीज में डिले स्टडी की बात कर रहे हैं, तो वो डिले किसकी होगी कि एक पर्टिकुलर लोकेशन से दूसरे पर्टिकुलर लोकेशन में पहुंचने में हमको डिले क्यों हुआ, किस रीजन से हुआ, क्या क्या उसके पॉइंट्स थे जो हमको वहां पे देखने चाहिए, और उन पॉइंट से क्या क्या हम रिजॉल्व करके वहां पे कुछ नया डेवलप करके उस सिचुएशन को क्लियर कर सकते हैं. तो इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, स्पीड डिले स्टडी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं. कुछ टाइप्स ऑफ डिले होते हैं, जैसे कि क्या क्या होते हैं, कंजेस्टेड डिले. ठीक है, कंजेशन डिले क्या होता है, कोई भी एक इंटरसेक्शन है या फिर कोई एक पार्क कार एरिया है, क्राउडेड पेवमेंट है, तो वहां पे क्या है, पीपल्स का, ह्यूमंस का क्या होगा, वहां पे कंजेशन होगा. ठीक है, कि वो कंजेस्टेड एरिया कहलाएगा. कंजेस्टेड एरिया में जब एक गाड़ी दूसरी उसको पार करके दूसरी तरफ जाना चाहेगी, तो ऑब्वियसली बात है उस क्राउडेड प्लेस की वजह से क्या होगा, हमको हमारा जो डिले है, जो ट्रैवल टाइम है, वो हमारा क्या होगा, डिले हो जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा फिक्स्ड डिले. फिक्स्ड डिले कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जो हमारे फिक्स्ड होते हैं, जैसे कि अमाउंट ऑफ ट्रैफिक वॉल्यूम की बात करें या इंटरफेस प्रेजेंट की बात करें, तो वो क्या है, फिक्स्ड है हमारे कि हाँ इनकी वजह से तो हमारा होगा ही होगा. मान लीजिए अगर हम 5 to 7 की बात करते हैं, तो 5 to 7 में हमारा क्या, ट्रैफिक वॉल्यूम बहुत ज्यादा होता है. उस ट्रैफिक वॉल्यूम की वजह से हमारे क्या होता है, जो नॉर्मल बिना इंटरसेक्शन की जो रोड होती है उनमें भी क्या होता है, प्लेन रोड में भी क्या होता है, बहुत ज्यादा अमाउंट का वॉल्यूम होता है व्हीकल्स का, तो उसकी वजह से क्या होता है, डिलेज हमारा होता है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा ऑपरेशनल डिले. ऑपरेशनल डिले क्या होता है कि मान लीजिए कि कोई पार्किंग है या टर्निंग पॉइंट है या ऐसे कोई प्लेसेस है, इंटरफेरेंस है ऐसे कुछ, तो उसकी वजह से स्ट्रीम में, ट्रैफिक स्ट्रीम में क्या डिलेज हो सकते हैं, वो सारे क्या आएंगे, किसमें आएंगे, ऑपरेशनल डिलेज में आएंगे. स्टॉप डिले नेक्स्ट. स्टॉप डिले क्या होता है, जब व्हीकल मूव नहीं कर रहे हो, व्हीकल स्टॉप हो, जैसे मान लीजिए रेड लाइट में है, रेड लाइट बहुत टाइम की हो रही है, या फिर रेड लाइट सडनली खराब हो गई है. ठीक है, तो वहां पे और कोई उसको ऑपरेट करने वाला नहीं है, तो उसकी वजह से भी क्या होते हैं, ट्रैफिक जाम्स हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी क्या होता है, डिलेज हमको क्लियर होता है. ठीक है, क्लियरली होता है. ट्रैवल टाइम डिले की बात अगर हम करें, तो ट्रैवल टाइम हम कैसे डिले कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे कि एक एक्चुअल ट्रैवल टाइम जो हमारा होना चाहिए था कि यहाँ से पहुंचने में, एक ए पॉइंट से पहुंचने में बी पॉइंट तक मुझे 5 मिनट लगने थे मान लीजिए, और मुझे कितने लग गए, 10 मिनट्स लग गए, तो वो ट्रैवल टाइम मेरा क्या हुआ, डिले हो गया. उस किसकी वजह से, वहां पे कंजेस्टेड कंडीशंस की वजह से या किसी भी रीजन से, तो क्या हुआ, डिले हो गया ट्रैवल टाइम में नॉर्मल भी, तो उसको मैं किस में काउंट करूंगी, ट्रैवल टाइम में काउंट करूंगी. अब वो या तो एक्सेलरेशन की वजह से हो सकता है या डिक्लेरेशन की वजह से डिले हमारे हो सकते हैं. ठीक है, अप्रोच डिले नेक्स्ट है. ट्रैवल टाइम डिले एनकाउंटर टू द एंड अप्रोच
टू एन इंटरसेक्शन, इंटरसेक्शन में अगर ट्रैवल टाइम डिले की हम बात करें तो उसकी वजह से क्या हो सकते हैं, अप्रोच डिले हमारे पास हो सकते हैं. अब मेथड ऑफ अपटेनिंग स्पीड डिले क्या है, बहुत सारे स्पीड डिले स्टडी को अगर हम लोग देखें उसके मेथड्स क्या हैं उसको फाइंड आउट करने के, तो हमारे पास बहुत सारे 7 मेथड्स हैं. सबसे पहला है उसमें फ्लोटिंग कार मेथड. फ्लोटिंग कार मेथड क्या है, बेसिकली फ्लोटिंग कार डेटा, फ्लोटिंग कार डेटा आर पोजिशंस ऑफ व्हीकल्स ट्रैवलिंग सिटी थ्रू आउट द डे. ठीक है, बेसिकली क्या हो रहा है इस फ्लोटिंग कार मेथड में, हमने एक क्या किया, ऑब्जर्वर ले लिया. सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहली चीज हमारे पास 4 ऑब्जर्वर है जो किसमें है, एक व्हीकल में हम लोगों ने बिठा दिए. ठीक है, अब जो सबसे पहला ऑब्जर्वर है, ठीक है, वो क्या काम करेगा, उसके पास 2 स्टॉप वॉच होंगी इस फ्लोटिंग कार मेथड में. उसके पास क्या होंगी, 2 स्टॉप वॉच होंगी. उन 2 स्टॉप वॉच में सबसे पहली जो स्टॉप वॉच है वो क्या रिकॉर्ड करेगी कि वेरियस कंट्रोल पॉइंट्स पे, जैसे इंटरसेक्शन आया, ब्रिज आ गया, तो उस टाइम पे कब कब वो पॉइंट आए उसको वो नोट करेगी. ठीक है, जो दूसरी स्टॉप वॉच है वो डिले वो नोट करेगी कि इतना टाइम लगा उसको वहां से वहां उस पर्टिकुलर जो जिस भी लोकेशन पे हम लोग इंटरसेक्शन पे या ब्रिजेस में हम लोगों को कितना टाइम डिले हुआ वहां से क्लियर, उसको वहां पे जो जाम लग रहा था या जिस भी वजह से वहां से पास आउट करने में कितना टाइम लगा. ठीक है, तो ये काम क्या है, पहले ऑब्जर्वर का काम है कि वो ये सब रिकॉर्ड करती है. ठीक है, दूसरे ऑब्जर्वर का काम क्या होता है कि टाइम, लोकेशन और कॉजेज, ये जो डिले हुए जो ऑब्जर्वर ने दूसरी स्टॉप वॉच में करे वो डिले किस वजह से हुए. ठीक है, तो वो कौन करेगा, किस वजह से हुए, किस टाइम पे हुए और कौन सी लोकेशन पे, वो क्या काम करेगा, सेकेंड ऑब्जर्वर उसको नोट करने का काम करेगा. ठीक है, अब वो या तो उसको टेबुलर फॉर्म में कर सकता है कि उसको टेबुलर फॉर्म में लिख ले, या फिर पहले तो वॉइस रिकॉर्डिंग इक्विपमेंट यूज कर ले और बाद में उसको जैसे भी उसको जस्टिफाई करना उसको वैसे फॉर्म में लिख ले. ठीक है, थर्ड ऑब्जर्वर जो होगा वो क्या करेगा कि कितने नंबर ऑफ व्हीकल ने ओवरटेक किया हमारे टेस्ट व्हीकल को जिसमें वो बैठे हैं, और कितने नंबर ऑफ व्हीकल को हमने जो उसमें वो बैठे हैं उसने ओवरटेकन किया ईच ट्रिप में. ये नंबर ऑफ बहुत सारे टेस्ट होते हैं इस एक पर्टिकुलर फ्लोटिंग कार मेथड में, बहुत सारे टेस्ट होते हैं, तो हर ट्रिप में ये सारी चीजें होती हैं जो जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों के पास, तीनों के काम होते हैं. ठीक है, चौथा ऑब्जर्वर जो होता है वो क्या करता है, वो काउंट करता है नंबर ऑफ व्हीकल, कितने नंबर ऑफ व्हीकल ट्रैवल कर रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में. ठीक है, जिस भी डायरेक्शन में जो टेस्ट व्हीकल है हमारा वो जा रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में कितने नंबर ऑफ व्हीकल क्रॉस हो रहे हैं उसको क्या करता है, फोर्थ ऑब्जर्वर हमारा काउंट करता है. ठीक है, अब जब ये सारी चीजें हमारे पास आ जाती हैं तो उससे हम क्या करते हैं, डेटा एनालाइज कर लेते हैं. डेटा एनालाइज करके हम क्या करते हैं, हम हमारा स्पीड डिले हमारा बता देते हैं कि कितना हमको डिले हुआ इस पर्टिकुलर लोकेशन में, किस किस रीजन से हुआ हमको पता चल जाता है, और कितना टाइम लगा ये भी हमको पता चल जाता है. ठीक है, जब मिक्स्ड जो मिक्स्ड ट्रैफिक फ्लो होता है तो वहां पे ज्यादा नंबर ऑफ ऑब्जर्वर की जरूरत होती है, क्योंकि वो क्या है, मिक्स्ड ट्रैफिक है वहां पर, तो उसके लिए हमको बहुत सारे ऑब्जर्वर्स की जरूरत होती है. ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एवरेज स्पीड मेथड. एवरेज स्पीड मेथड क्या होता है, इन दिस मेथड द ड्राइवर इज इंस्ट्रक्टेड टू ट्रैवल एट अ स्पीड दैट इज जज्ड टू द रिप्रेजेंटेड ऑफ स्पीड ऑफ ऑल ट्रैफिक एट टाइम. ठीक है, कोई उस ड्राइवर को इंस्ट्रक्ट किया जाता है कि तुमको ना स्पीड बढ़ानी है ना स्पीड कम करनी है, नॉर्मल स्पीड जिसपे सारा ट्रैफिक स्पीड जिस ट्रैफिक पे जिस स्पीड पे सारा ट्रैफिक चल रहा है आपको वही यूज करनी है, और उससे हम पता लगाते हैं कि हमको कितना टाइम लगा एवरेज स्पीड हमारी, एवरेज स्पीड मेथड से उसके एवरेज स्पीड निकाल लेते हैं और उससे हम क्या करते हैं, हम बता देते हैं कि हमारा कितना डिले हुआ. नेक्स्ट है हमारा मूविंग व्हीकल मेथड. मूविंग व्हीकल मेथड में हम क्या करते हैं कि मान लीजिए जैसे ये दिख रहा है डायग्राम में आपको, ठीक है, इसमें क्या हुआ, सबसे पहले तो जो टेस्ट व्हीकल होता है वो एक पर्टिकुलर जिस सेक्शन में हमको टेस्ट लेना है वहां पे एक राउंड ट्रिप करता है. ठीक है, राउंड ट्रिप में क्या होता है, मतलब मान लीजिए ये एक मेरा टेस्ट सेक्शन है, ये एक्स एक्स और ये वाई वाई मेरा क्या है, एक टेस्ट सेक्शन है. ठीक है, इसमें सबसे पहले हम इस एक्स एक्स सेक्शन से स्टार्ट हुए. ठीक है, हम किसकी तरफ गए, ईस्ट की तरफ हम लोग बढ़े. ठीक है, तो इस ईस्ट की तरफ बढ़ते वक्त ऑब्जर्वर जो था स्टार्ट ऑब्जर्वर ने क्या किया, ईस्टवर्ड की तरफ बढ़ते बढ़ते अपना स्टॉपवॉच स्टार्ट कर दिया कि इतने टाइम में हमने वहां तक पहुंचना है. ठीक है, तो
हमने स्टॉप वॉच स्टार्ट करी और एक्स एक्स से लेके वाई वाई तक ईस्ट डायरेक्शन में चलते वक्त कितना टाइम लगा वो हमने नोट कर लिया। अब इसी के साथ हमने क्या किया, वाई वाई से लेके एक्स एक्स सॉरी यानी वेस्ट डायरेक्शन में, पहले हम किस में मूव कर रहे थे, ईस्ट में, अब किस में मूव कर रहे हैं, वेस्ट में। तो वेस्ट में जब हम क्रॉस हुए तो हमको कितना टाइम लगा हमने उसको भी क्या किया, नोट कर लिया हमारी स्टॉप वॉच की मदद से। जब हमारे पास दोनों स्टॉप वॉच की मदद से दोनों डेटा आ गया तो हमने इस फॉर्म में रख के क्या किया, हमने ऑब्टेन कर लिया हमारा वॉल्यूम क्या होगा और उस वॉल्यूम के बेसिस पे हमने हमारा एवरेज ट्रैवल टाइम निकाल लिया। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट है हमारा एलिवेटेड ऑब्जर्वर मेथड। ऑब्जर्व इसमें क्या होता है कि कुछ अर्बन एरियाज होते हैं जिनमें हम क्या कर सकते हैं, ऐसे स्टेशन हम लोग मान सकते हैं जो कि हाईली एलिवेटेड है नॉर्मल प्लेन एरिया से। ठीक है, तो हमने उन पॉइंट्स को क्या माना, हमारा ऑब्जर्वर स्टेशन मान लिया। अब वहां से क्या है, दोनों पॉइंट्स हमको, सारे पॉइंट्स जिस जिसको हम ऑब्जर्व करना है वो हमको वहीं से दिख रहे हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इन्वेस्टिगेटर सेलेक्ट करेगा कोई भी एक रैंडम व्हीकल और रिकॉर्ड करेगा टाइम एंड लोकेशन और कॉजेज ऑफ डिले कि यहाँ से मुझे दिख रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक कोई एक पर्टिकुलर लोकेशन से लेके दूसरी पर्टिकुलर लोकेशन तक मुझे क्या करना है, देखना है कि वहां पे कितना डिलेज हो रहा है। तो मैं क्या करूंगी, मान लीजिए ये मेरा एक हाई पॉइंट है। ठीक है, इस हाई पॉइंट पे यहाँ पर हम लोग खड़े हैं। ठीक है, अब मुझे क्या करना है, इस हाई पॉइंट, अब मुझे यहाँ की जो सरफेस है जो नीचे है उसके, वो मुझे इजी गोइंग में दिख रही है, आराम से दिख रही है, मुझे इसको दिखने में कोई इशू क्रिएट नहीं हो रहा। तो मैंने मान लिया कोई एक ए ऑब्जर्व एक ए व्हीकल आ रहा था जिसको मैं यहाँ से क्या कर रही हूँ, ऑब्जर्व कर रही हूँ इस ए व्हीकल को। तो मैंने यहाँ से देखा कि ये ए व्हीकल यहाँ से लेके यहाँ पहुंचने में कुछ तो टाइम लगाएगा, तो उसको मैंने स्टॉप वॉच से मैंने रिकॉर्ड कर लिया और उसको यहाँ इस पोजीशन में पहुंचने में किस वजह से, कितने रीजन थे जिसकी वजह से उसको डिले हुआ, क्या क्या लोकेशन, कौन कौन सी लोकेशन पे डिले हुआ, वो सब हम क्या करेंगे, ऑब्जर्व कर लेंगे, रिकॉर्ड कर लेंगे। तो उसकी वजह से क्या होगा, मेरा पता चल जाएगा कि क्या रीजन थे ऑब्जर्व डिले होने के और कितना टाइम लगा डिले होने का। ठीक है, इसका ड्रॉबैक क्या है, इस पूरे जो मेथड है इसका ड्रॉबैक क्या है कि समटाइम्स जो होता है, जैसे मान लीजिए ये जो पॉइंट मैंने चूज किया वो सुटेबल नहीं हो पाता कि मैं पूरे लेंथ को स्टडी कर पाऊँ, जितने भी लेंथ में वो गया है उसको मैं क्या करूँ, स्टडी कर पाऊँ। ठीक है, तो ये मेरा क्या था, ऑब्जर्व एलिवेटेड ऑब्जर्वर मेथड था। नेक्स्ट है मेरा लाइसेंस प्लेट मेथड। लाइसेंस प्लेट मेथड क्या कहलाता है कि मान लीजिए कोई भी एक रूट है, पर्टिकुलर एक रूट है जिसमें मैंने क्या किया, कुछ इन्वेस्टिगेटर्स यानी कुछ ऑब्जर्वर्स को मैंने रख दिया कि भाई यहाँ से लेके यहाँ तक के रूट में हम लोग देखेंगे क्या डिले होता है, किस वजह से होता है, ये सब कुछ हमको नोट करना है, तो हमने ऑब्जर्वर्स रख दिए। ठीक है, अब क्या करेंगे, उस पर्टिकुलर लोकेशन से जितने नंबर लाइसेंस नंबर प्लेट हम लोगों को पास हुए, हमने कोई ड्राइवर हमारा व्हीकल नहीं किया, हमने कुछ नहीं किया, हमने लाइसेंस प्लेट नंबर के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, काउंट करना स्टार्ट किया और डिलेज और टाइम को हमने रिकॉर्ड करना स्टार्ट किया और उस टाइम और लोकेशन और डिलेज की वजह से हमने क्या किया, हमने पता कर लिया कि किस वजह से कितना ड्यूरेशन डिले का आ रहा है और क्या टाइम कंज्यूम हो रहा है वर्क उस पर्टिकुलर लोकेशन में, कितना टाइम कंज्यूम हो रहा है, किस वजह से कंज्यूम हो रहा है, वो सारी हमने क्या करा, नोट कर लिया। इसको करने के दो चार बेसिक मेथड हैं। सबसे पहला मैनुअल, मैनुअली क्या करेंगे, कलेक्टिंग लाइसेंस प्लेट वी आर पेन पेपर ऑडियो टेप रिकॉर्डर एंड मैनुअली एंटरिंग लाइसेंस प्लेट एंड अराइवल टाइम्स इनटू अ कंप्यूटर। नेक्स्ट है पोर्टेबल कंप्यूटर, कलेक्टिंग लाइसेंस प्लेट इन द फील्ड यूजिंग पोर्टेबल कंप्यूटर्स एंड दैट ऑटोमेटिकली प्रोवाइड एन अराइवल टाइम स्टैम्प। ठीक है, नेक्स्ट है वीडियो एंड मैनुअल ट्रांसक्रिप्शन, कलेक्टिंग लाइसेंस प्लेट इन द फील्ड यूजिंग वीडियो कैमराज एंड कैम रिकॉर्डर्स एंड मैनुअली ट्रांसक्रिप्टिंग लाइसेंस प्लेट यूजिंग ह्यूमन ऑब्जर्वर। एंड द नेक्स्ट वन इज वीडियो विद कैरेक्टर रिकॉग्नाइजेशन, कलेक्टिंग लाइसेंस प्लेट इन द फील्ड यूजिंग वीडियो एंड देन ऑटोमेटिकली ट्रांसक्रिप्टिंग लाइसेंस प्लेट एंड
अराइवल टाइम इनटू अ कंप्यूटर यूजिंग कंप्यूटराइज्ड लाइसेंस प्लेट करेक्टर रिकॉग्निशन। ओके, तो क्या बेसिकली मैनुअल में क्या हुआ, हमने क्या किया, नॉर्मली किसी जो भी ऑब्जर्व था उसने पेन पेपर या ऑडियो टेप रिकॉर्डर या किसी की मदद से हमने क्या किया, डेटा मैनुअली हमने क्या किया, रिकॉर्ड किया और उसको फिर कंप्यूटर के मदद से हमने पूरा फिक्स कर लिया कि भाई टाइम कितना लगा, क्या क्या गया, कैलकुलेशन हमारी कर गई। ठीक है, पोर्टेबल कंप्यूटर में क्या हुआ, हमने यूज किया पोर्टेबल कंप्यूटर्स को फील्ड पे ही और ऑटोमेटिकली प्रोवाइड, उससे क्या हुआ, ऑटोमेटिकली हमको प्रोवाइड हो गया कितना टाइम हमको लगा वहाँ पे। वीडियो एंड मैनुअल ट्रांसक्रिप्शन में क्या हुआ कि एक वीडियो कैम रिकॉर्डर्स या वीडियो कैमरा या कैमरा रिकॉर्डर हमने यूज किया और एक मैनुअली ट्रांसक्रिप्शन लाइसेंस प्लेट को नोट करने के लिए हमने वहाँ पे एक ह्यूमन ऑब्जर्वर को यहाँ पे रख दिया। तो उसकी वजह से क्या हुआ, हमारा कितना डिले हुआ, क्या टाइम हुआ, वो भी हम लोग पता कर लेंगे। नेक्स्ट क्या था, वीडियो एंड कैरेक्टर रिकॉग्निशन, इसमें क्या हुआ, हमने जो हमने इक्विपमेंट यूज किया वो क्या करता था, लाइसेंस प्लेट को ऑलरेडी कंप्यूटराइज लाइसेंस प्लेट को रिकॉग्नाइज कर लेता था और उसके मदद से उसको रिकॉर्ड करके ऑटोमेटिकली हमको क्या देता था, कितना टाइम हमारा वहां पे लगा। नेक्स्ट है हमारा फोटोग्राफिक मेथड। दिस मेथड इज अ प्राइमरली अ रिसर्च टूल, इट इज यूजफुल इन स्टडीज ऑफ इंटर रिलेशनशिप ऑफ सेवरल फैक्टर्स सच एज spacing, speeds, lane uses, acceleration rate, merging and crossing maneuvers and delay at intersection. ठीक है, तो बेसिकली क्या था, ये एक प्राइमरी रिसर्च टूल के अकॉर्डिंग इसको यूज किया गया था। ये ज्यादा क्या स्टडी कर सकता है, सिर्फ यूजफुल किस किस की स्टडी करने में है कि स्पेसिंग कितनी होगी, स्पीड्स कितनी होनी चाहिए, लेन यूजेस कैसा होना चाहिए, एक्सेलरेशन रेट कितनी होनी चाहिए, ये सारी जो भी है ये चीजें हम लोगों को फाइंड आउट करने में हमारी ये मदद करता है। ठीक है, इस मेथड, ये मेथड सिर्फ शॉर्ट टेस्ट सेक्शन के लिए ही यूजफुल है। नेक्स्ट है हमारा इंटरव्यू मेथड। इंटरव्यू मेथड हमारा बहुत इजी गोइंग होता है कि हम क्या करते हैं, ऑब्जर्वर्स रखते हैं, फील्ड ऑब्जर्वेशन करते हैं, वहां पे पूछते हैं कि यहाँ से यहाँ पहुंचने में आपको कोई प्रॉब्लम हुई, अगर प्रॉब्लम हुई तो किस वजह से हुई और किस लोकेशन पे हुई और उसमें क्या टाइम लगा, ये सारी चीजें हम क्या करते हैं, इंटरव्यू करते हैं जो बाकी लोग होते हैं उनसे, ट्रैवलर जो होते हैं उनसे हम पता करते हैं और बस उससे पता करके हम लोग क्या करते हैं, हमारा डेटा फॉर्म कर लेते हैं। ठीक है, आई होप यू don't have any query in this session, but if you have then please mention it in a comment box, I'll resolve it. This session is powered by digital version 2.0 Jayoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.